और कलयुग के अंत में मनुष्यों की आयु केवल 12 वर्ष रहेगी और लंबाई बहुत छोटी रह जाएगी। सामान्य रूप से युग के अनुसार मनुष्यों की यही आयु अवधि रहेगी, किंतु प्रत्येक मनुष्य की वास्तविक आयु उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उसके जन्म के समय निर्धारित होगी, जो दीर्घ भी हो सकती है और अल्प भी हो सकती है। माता, मनुष्यों की मृत्यु के बाद उनका तन मिट जाएगा, किंतु आत्मा कहाँ जाएगी? मेरे भुवनेश्वरी स्वरूप में 14 लोकों की रचना की थी मैंने। सभी का निवास स्वर्गलोक भी है। अब मैं अपने भैरवी स्वरूप में उस विशेष लोक की रचना करूंगी, जहां जीवन के उपरांत नश्वर शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्माओं का वास होगा। धर्म परायण और सदाचारी जीवों की आत्माओं को यहाँ स्वर्ग लोक के सुखों का अनुभव होगा, और जो दुराचारी और धर्म भ्रष्ट जीवों की आत्माएं होंगी, ये लोक उनके लिए नरक के समान होगा। आत्माओं को यहाँ कर्मों का फल भोग कर प्राश्चित और साधना कर शुद्धि प्राप्त होगी। प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार मेरे देवी भुवनेश्वरी द्वारा रचित भिन्न लोकों में जाना होगा। जो सत्कर्म कर यहाँ पहुँचेंगे, उन्हें यहाँ के बाद स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा, और दुष्कर्मियों की आत्माओं को निम्न लोकों में जाना होगा। किंतु जिन जीवों के लिए भक्ति ही सर्वोपरि रही, मेरी या किसी अन्य ईश्वर की, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और वो विष्णु लोक, ब्रह्मलोक अथवा कैलाश अर्थात दिव्य लोकों में स्थित होंगे। अद्भुत माता, जीवन और मृत्यु के चक्र को स्थापित करने हेतु, प्रकृति के संतुलन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए आपने अपने माता भैरवी स्वरूप में एक ऐसे लोक का निर्माण किया जहां मृत्यु के उपरांत आत्माओं का निवास हो। तुम्हारे मन में एक और प्रश्न उत्पन्न होने का आभास हो रहा है मुझे। पूछ गणेश, पूछ, क्या पूछना है तुम्हें? माता, सूर्य देव के प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ही मैं भी उत्सुक हूँ। आत्माओं के लिए एक अन्य लोक का निर्माण तो हो गया, किंतु उसको व्यवस्थित रूप से चलाने का दायित्व किसको सौंपा गया माता? ये प्रश्न
सभी देवताओं के मन में भी रह रहकर उठ रहा था। देवी भैरवी संसार में प्रकट हुई, किंतु इससे मृत्यु की व्यवस्था पूर्ण नहीं हुई थी। उसके लिए एक काल देवता की आवश्यकता थी, जो हमारा प्रतिनिधित्व कर इस कार्य का दायित्व संभाले। उनकी सहायता के लिए काल के दूत की आवश्यकता थी, और जो जीवों की आत्माओं को बंदी बनाए उस पाश की आवश्यकता थी। पाश? जीवों की आत्माओं को बंदी बनाने के लिए पाश की आवश्यकता थी? और माता, काल देवता के पद पर योग्य देवता की नियुक्ति भी तो आवश्यक होगी, वो कैसे हुआ माता? प्रश्न पूछ रहे हो तो उसका उत्तर पाने का धैर्य भी रखो। हमें क्षमा कीजिए माता। सर्वप्रथम ये प्रश्न सूर्यदेव के मन में भी उत्पन्न हुआ था, किंतु उन्हें कहा गया था कि इस प्रश्न का उत्तर उनसे ही जुड़ा हुआ था। उत्तर सूर्यदेव से जुड़ा था, अर्थात माता? देवी भैरवी संसार में प्रकट हुई, किंतु उससे मृत्यु की व्यवस्था पूर्ण नहीं हुई थी। उसके लिए एक काल देवता की आवश्यकता थी। काल देवता के पद पर योग्य देवता की नियुक्ति भी तो आवश्यक होगी, वो कैसे हुआ माता? सर्वप्रथम ये प्रश्न सूर्यदेव के मन में भी उत्पन्न हुआ था। सूर्यदेव का विवाह देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री देवी संज्ञा से हुआ था। जब मैंने आदित्य सूर्य का सृजन किया था, तब उनके तेज का उत्पन्न होना आरंभ ही हुआ था। तब उनकी एक पुत्री यमी और एक पुत्र यम, दो संतानें हुई थी। कुछ समय के लिए तो सब कुछ कुशल था, किंतु समय के साथ सूर्य का तेज बढ़ता गया। देवी संज्ञा कहाँ हैं आप? अरे आइए देवी संज्ञा। संज्ञा अब तो पकड़ी जाओगी। संभवतः आंगन में होंगी। अरे प्रचंड तेज, इतना तीव्र प्रकाश, ओह! सूर्यदेव का तेज असहनीय हो रहा है हमारे लिए। स्वामी, इस तीव्र ताप का यही अर्थ है कि स्वामी निकट हैं। स्वामी, मैं वो देवी संज्ञा, क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि मैं अपनी पत्नी का स्पर्श कर सकूं? स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस देवी संज्ञा
देवी संज्ञा, धैर्य रखे, सब ठीक हो जाएगा। स्वामी, मुझे समझने का प्रयास कीजिए। आपके प्रचंड तेज को सहने में मुझे बहुत कठिनाई होती है। तो आप मुझसे क्या अपेक्षा करती हैं देवी संज्ञा? मैं सूर्यदेव हूं, अपने तेज और अपनी ऊर्जा से संसार को जीवन प्रदान करता हूं, किंतु मेरी पत्नी मेरे उसी तेज और मेरे उसी ऊर्जा के कारण मेरे निकट आने में असमर्थ है। और यदि ऐसा ही है तो क्या मैं यहां से कहीं चला जाऊं, अथवा आप सदा के लिए अपने पिता के निवास लौटना चाहती हैं? किंतु स्मरण रहे, आप सूर्यलोक की स्वामिनी है, आपके दायित्व है, आपका पुत्र है जो शीघ्र अपने तप के लिए प्रस्थान करने वाला है। और यदि आप भी यहां से चली गई तो मैं एकाकी कैसे रहूंगा? नहीं, आप कहीं नहीं जा सकती। समाधान भी आप ही को ढूंढना होगा, क्योंकि समस्या आपकी है, मेरी नहीं। आपका पति हूं मैं, और आपका सानिध्य प्राप्त करना मेरा अधिकार है। माँ, 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 मैं आपको इस प्रकार दुखी होते हुए नहीं देख सकता, और आपको इस अवस्था में देख के तो मैं तपस्या के लिए कदापि नहीं जा सकता। माँ, पुत्र, तपस्या के लिए तुम्हारा जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम धर्म परायण हो और तप तुम्हारा धर्म है, इसलिए तुम्हारा तप के लिए जाना उचित है। तुम मेरी चिंता त्याग दो और तुम तपस्या के लिए अवश्य जाओ, मैं यहां कुशल रहूंगी। उचित है माँ, प्रणाम। माँ, मैं आपका आदेश नहीं टाल सकता, इसीलिए अवश्य जाऊंगा मैं, किंतु अपना तप संपन्न कर शीघ्र ही लौटूंगा। मैं क्या करूं माँ, जैसे जैसे स्वामी का तेज बढ़ता जा रहा है, मैं उनके निकट जाने में, यहाँ तक कि उन्हें देख पाने में भी असमर्थ हूँ। किंतु मैं अर्थांगिनी हूँ उनकी, मुझ पर अधिकार है उनका। मुझे कोई उपाय सुझाइए माता, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं करूँ तो क्या करूँ माँ। और आपको इस अवस्था में देख के तो मैं तपस्या के लिए कदापि नहीं जा सकता। माँ, तुम धर्म परायण हो और तब तुम्हारा धर्म है, तपस्या। घोर तप करूंगी मैं, और मेरा तप मुझे मेरे स्वामी के तेज को सहने की शक्ति देगा। हाँ माँ, मैं तप करूंगी। किंतु स्मरण रहे, आपका पुत्र है जो शीघ्र अपने तप के लिए प्रस्थान करने वाला है। और यदि आप भी यहां से चली गई तो मैं एकाकी कैसे रहूंगा? किंतु मैं अपने तप के लिए यहां से कैसे जाऊं? स्वामी मुझे कभी कहीं जाने की अनुमति नहीं देंगे, और उनके निकट रहते हुए मैं अपना तप भी नहीं कर पाऊंगी। क्या करूं मैं करूं तो क्या करूं? माँ, माँ, इस दुविधा से मुझे मुक्ति दिलाइए। माँ, कोई उपाय सुझाइए, कोई उपाय सुझाइए।
कोई उपाय सुझाइए, कोई उपाय सुझाइए। कोई उपाय सुझाइए माँ, कोई उपाय सुझाइए। मेरी प्रतिछाया, मेरी प्रतिछाया माँ। उस रात्रि देवी संज्ञा को यह आभास हुआ कि वो अपने तप के लिए तभी जा सकेंगी जब वो अपने किसी प्रतिरूप को छोड़कर जाएंगी, और उनका प्रतिरूप उनकी प्रतिछाया के सिवाय और कौन हो सकता था। हाँ यही उचित है, माँ का भी यही संकेत है, यही करूंगी मैं, अपनी इस छाया को यहां स्थित करूंगी। देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री, सूर्यदेव की पत्नी देवी संज्ञा, तुम्हें सजीव होने का आदेश देती हूँ। छाया हो, मेरी प्रतिछाया। और देवी संज्ञा अपनी छाया को सूर्य लोक में छोड़कर पृथ्वी पर तप करने के लिए चली गई। स्वामी, मुझे पुकारने का क्या लाभ देवी संज्ञा, क्योंकि यदि मैं मुड़कर आपकी ओर देखूंगा तो आप अपने नेत्र नीचे कर लेंगी। जो कहना है वहीं से कहिए, मैं सुन रहा हूं। स्वामी, आपको पूजा का प्रसाद दिए बिना मैं आपको कैसे जाने देती। देवी संज्ञा, क्या क्या ये सत्य है? क्या मेरा तेज आपको प्रभावित नहीं कर रहा? ये कैसे संभव किया आपने? बस स्वामी, अब और प्रश्न नहीं। आप निश्चिंत होकर अपनी यात्रा पर जाइए, क्योंकि अब सब कुछ कुशल है। उचित है देवी। मैं देवी संज्ञा नहीं, छाया हूँ सूर्यदेव। मैं आपकी पत्नी नहीं, मात्र उनकी प्रति छाया हूँ। मैंने देवी संज्ञा को वचन दिया है कि मैं आपकी देखभाल करूँगी, और किसी को भी ये ज्ञात नहीं होने दूँगी कि वो सहज आपका सानिध्य प्राप्त करने के लिए यहाँ से बहुत दूर तपस्या करने गई हैं।
सूर्य देव, जब माता संज्ञा तपस्या करने सूर्यलोक से चली गईं, तो क्या आपको कभी उनकी अनुपस्थिति का आभास नहीं हुआ? क्या ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ कि छाया माँ संज्ञा माँ तो है ही नहीं? प्रथम पूज्य गणेश जी, देवी छाया देवी संज्ञा की प्रतिरूप थी। सभी प्रकार से वो उनके समान थी और मैं भी अपनी पत्नी का साथ पुनः पाकर अत्यंत प्रसन्न था। और जब भी मैंने उनके भीतर आए हुए परिवर्तन का रहस्य जानने का प्रयास किया तो सदा उन्होंने उस प्रश्न को टाल दिया। तब तनिक शंका अवश्य होती थी मुझे। तो क्या आप कभी सत्य ज्ञात कर सके सूर्यदेव? हाँ गणेश जी। ये सत्य कैसे जाना आपने सूर्यदेव, बताइए ना। गणेश, तुम पुनः वो प्रश्न पूछ रहे हो जिसका उत्तर देने का समय अभी नहीं आया है। क्षमा कीजिए माता, मैं तो बस उत्सुकतावश पूछ रहा था। धैर्य गणेश, धैर्य। तुम्हारी उत्सुकता अवश्य शांत होगी। तो सुनो, सूर्यदेव के पूर्व किसी अन्य को ये ज्ञात हो गया था कि देवी छाया उनकी पत्नी देवी संज्ञा नहीं है। अब तुम्हारे मन में उत्पन्न होने वाले प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं एक प्रश्न पूछती हूँ तुमसे। उचित है माता। उस समय का विचार करो गणेश, जब देवी पार्वती में परिवर्तन आने प्रारंभ हुए थे तो सर्वप्रथम उसका आभास किसे हुआ था? महादेव को, कुमार कार्तिकेय को या तुम्हें? मुझे माता। ओ, मैं आपका संकेत समझ गया माता। तो सूर्यलोक में जो घटित हो रहा था उस परिवर्तन का सत्य सूर्यदेव से भी पूर्व माँ संज्ञा के पुत्र को ज्ञात हुआ? देवी छाया यम से अपना सत्य नहीं छिपा सकी, क्योंकि माँ के आचर की ममता, माँ की ममता भरी दृष्टि और उनमें आया हुआ परिवर्तन संतान के नेत्रों से छिपाया नहीं जा सकता। समय बीतता गया, सूर्यदेव और देवी छाया का सुखमय जीवन आगे बढ़ता रहा। उन्हें एक पुत्र शनि की भी प्राप्ति हुई। सब कुशल था, किंतु अब देवी संज्ञा के पुत्र यम अपना तप समाप्त कर वहां लौटने वाले थे। सूर्यदेव के वो पुत्र जिनके अस्तित्व से ही देवी छाया अनभिज्ञ थी। माँ कितनी आनंदित है, अर्थात यहाँ सब कुशल है। मैं माँ को चकित कर दूंगा। स्वामी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। प्रणाम माँ। ये कौन है, यहाँ कैसे आया, क्यों आया, कौन हो तुम और मुझे स्पर्श करने का साहस तुमने कैसे किया? माँ ने मुझे पहचाना नहीं और माँ भयभीत भी है मुझसे। स्वामी, ये जो भी है किंतु मेरी माँ कदापि नहीं है। स्वामी, स्वामी, स्वामी देखिए वहां पे कोई है, वहां वो कोई है। कौन? वो वहां पे ये। अब समझा मैं,
अचानक अपने पुत्र को देखकर आप फूले नहीं समा रही। पुत्र? और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है आपके पास, है ना? कौन है ये और यहाँ माँ के स्थान पर क्यों है? देवी संज्ञा, अब यहाँ स्तब्ध ही खड़ी रहेंगी। इतने समय बाद लौटा है आपका पुत्र, क्या उसके लिए उत्तम भोजन का प्रबंध नहीं करेंगी? जी स्वामी, उचित है। पिताश्री, ये मेरी मां नहीं है। ये मेरी मां नहीं है पिताश्री। ये कैसा अनुचित कथन है अम्का? ये क्या दृष्टता कर रहे हो तुम? ये तुम्हारी मां नहीं है? ये कहने का क्या अर्थ है तुम्हारा? स्वामी, सूर्यदेव, आप अपने पुत्र पे क्रोध मत कीजिए। वो सत्य कह रहा है, वो सत्य कह रहा है, वो सत्य कह रहा है। मैं उसकी मां नहीं, मैं देवी संज्ञा नहीं, मैं छाया हूं, आपकी पत्नी देवी संज्ञा की प्रतिछाया, आपकी पत्नी देवी संज्ञा की प्रतिछाया, आपकी पत्नी देवी संज्ञा की प्रतिछाया। देवी संज्ञा की छाया, मेरी पत्नी की छाया? मैं देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री, सूर्यदेव की पत्नी देवी संज्ञा, तुम्हें सजीव होने का आदेश देती हूँ। तो अंततः इस प्रकार सूर्यदेव को सत्य ज्ञात हो ही गया। हाँ, देवी छाया ने अपना सत्य विस्तार से सूर्यदेव को बताया और उन्हें आभास हो गया कि अपने अत्यधिक तेज के कारण वो अपनी पत्नी देवी संज्ञा का सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए इस समस्या का निदान पाने के लिए वो अपनी पत्नी देवी संज्ञा के पिता देव शिल्पी विश्वकर्मा के पास गए। मैं अपना तेज घटा नहीं सकता और मेरे तेज के कारण आपकी पुत्री और मेरी पत्नी संज्ञा मेरे निकट नहीं आ सकती, इसीलिए वो छाया को मेरे पास छोड़कर मुझसे दूर चली गई है तप करने। अब आप ही इस समस्या का कोई निदान सुझाइए ससुरश्री, बताइए मुझे कि मैं क्या करूं? माता, ये तो और भी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो विश्वकर्मा जी ने क्या सुझाव दिया? पिताश्री यहाँ भी नहीं है और अपने कक्ष में भी नहीं। क्या वो नाना जी के स्थान से अब तक लौटे नहीं?
धन्यवाद विश्वकर्मा जी। एक ओर तो सभी देवताओं को उनके नवीन शस्त्र प्राप्त हो गए, तो वहीं दूसरी ओर अभी भी कुछ किरणें शेष थी जो कदाचित विश्वकर्मा को आदेश दे रही थी कि उन्हें उन शेष किरणों का उपयोग कर एक और शस्त्र का निर्माण करना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे नाना जी के भवन से मुझे कोई पुकार रहा हो। ये किस प्रकार के शस्त्र का निर्माण किया था देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने माता? वो साधारण अस्त्र नहीं, मृत्युपाश था, मृत्युपाश था, मृत्युपाश था। ऐसा पाश जो जिसका भी स्पर्श करे उसकी तत्काल मृत्यु हो जाए। फिर क्या हुआ माता? मुझे स्मरण है उस पाश पर तो यमराज का अधिकार है, तो उन्हें वो पाश कैसे प्राप्त हुआ माता? इस बार किसी देवता ने नहीं, स्वयं मृत्यु पाश ने अपने स्वामी को चुना। किंतु शस्त्र कैसे चुन सकता है अपना स्वामी? माता क्या हुआ कार्तिके, क्या तुम्हारी समझ अपने अनुज से भिन्न है? हाँ माता। उचित है तो फिर तुम ही समझाओ। अनुज गणेश, तुम तो सर्व ज्ञाता हो, बुद्धि के देवता हो, किंतु फिर भी यदि तुम मेरे मुख से शस्त्र की महिमा समझना चाहते हो तो सुनो। शस्त्र और योद्धा एक दूसरे के पूरक हैं। ये कोई संयोग नहीं है कि पिताश्री, मामा जी, फूफा जी, समस्त देव, मैं और तुम्हारा भी अपना एक विशेष शस्त्र है। प्रत्येक शस्त्र का स्वामी पूर्व से ही नियत होता है, और फिर जो कुछ भी घटित हो रहा था वो तो माँ की लीला का ही परिणाम था। सर्वथा उचित कहा तुमने कार्तिके। माता, इंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, वरुण देव, अग्निदेव, यहाँ तक कि पिताश्री, मामा जी, फूफा जी अर्थात त्रिदेव भी तो वहाँ एकत्रित थे ना? तो बताइए ना, उस पाश ने उन सभी योग्यता संपन्न देवों में से यम देव को ही अपना स्वामी कैसे चुना माता? तुम्हारी ये जिज्ञासा भी अवश्य शांत करूंगी मैं गणेश। अद्भुत है ये शस्त्र, ये पाश। मैंने इस पाश का सृजन कैसे कर दिया? कैसे हुआ ये? इस पाश का स्वामित्व तो देवराज अर्थात मुझे ही प्राप्त होना चाहिए। प्रभु, महादेव, ये पाश, मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है कि मैंने इसे कब, कैसे और क्यों रचा। देव शिल्पी विश्वकर्मा, आपके जिन हाथों से समूची सृष्टि की रचना हुई है, वो जो भी रचेंगे उसका अवश्य कोई बड़ा महत्व होगा। किंतु प्रभु, आप त्रिदेवों के साथ
इंद्रदेव और सभी देवों के शस्त्रों का मैं पूर्व ही निर्माण कर चुका हूं। फिर इस पाश रूपी शस्त्र का क्या रहस्य है? जो भी हो, ये मेरे भवन में स्थित रहे ये उचित नहीं है। इसका अवश्य ही कोई ना कोई कारण होगा, इसे वो पूरा करना ही होगा। किंतु इसका अधिकार किसे मिलेगा, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? नाना जी के भवन से ये कौन मेरा आवाहन कर रहा है रह रहकर? पिताजी वही हैं, कहीं उन्हें तो मेरी आवश्यकता नहीं? मुझे स्वयं जाकर वहां देखना चाहिए। मैंने इस पाश का सृजन कैसे कर दिया? कैसे हुआ ये? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे नाना जी के भवन से मुझे कोई पुकार रहा हो? मुझे स्वयं जाकर वहां देखना चाहिए। अनायास देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने जिसका सृजन किया उस शस्त्र का, इस शक्तिशाली पाश का उचित अधिकारी तो मैं देवराज ही हो सकता हूँ। महादेव, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस पाश के लिए उचित अधिकारी घोषित कीजिए, जो इसे स्वीकार करे और इसके उचित स्थान पर ले जाए। यदि महादेव ने इसे स्वीकार कर लिया तो मैं इस पाश से वंचित रह जाऊंगा। किंतु इसका प्रथम अधिकार तो कदाचित उन्हीं का है। देव शिल्पी विश्वकर्मा, जो आत्माओं के लोक का दायित्व संभालेगा, वही इस पाश का अधिकारी होगा। आचरण की श्रेष्ठता, धर्म और न्याय के प्रति सर्वोच्च निष्ठा धारण करने वाला ही इस पद, दायित्व का और पाश का अधिकारी होगा। देवगण, मुझे ज्ञात है आप सभी इस पाश को पाने के लिए लालायित हो रहे हैं, तो संकोच मत कीजिए, आप इसे पाने का प्रयास करने के लिए स्वतंत्र हैं। उचित है, महादेव नारायण और ब्रह्मदेव को इस पाश की कोई आवश्यकता नहीं, और उनके बाद तो वरिष्ठ मैं ही हूं, मैं ही इस पाश के योग्य हूं। देव राजेंद्र, मन की इच्छा को भीतर मत रखिए, अब तो महादेव की भी अनुमति है। यदि आप इस पाश को प्राप्त करना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, प्रयास कीजिए। जो आज्ञा नारायण।
बस अब पल भर में यह पाश मेरा ही होगा। अरे इस पाश ने तो मुझे जकड़कर अपने वश में कर लिया। ये कहाँ गिरा जा रहा हूं मैं? ये कौन सा लोग है ये? देवराज क्या हुआ देवराज, आप कुशल तो है ना? इस पाश से दूर रहना ही उचित होगा। ऐसे अद्भुत और शक्तिशाली अस्त्र का निर्माण हुआ है मुझसे, जिसे देवराज इंद्र भी नहीं संभाल पाए। कोई तो अवश्य होगा जो इसका अधिकारी बनेगा। देव कोई स्पष्ट संकेत क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे देवराज इंद्र, एक क्षण पूर्व अभी आप उस पाश को उठाने गए थे और अचानक से पीछे हट गए। अग्निदेव, यदि आपकी इच्छा है तो आप स्वयं प्रयास क्यों नहीं कर लेते? समझ गया मैं, इंद्रदेव पाश को अपने वश में नहीं कर सके, इसलिए ऐसे वचन बोल रहे हैं। मैं अग्नि का देवता हूं, इसलिए ये पाश तो मेरा ही होना चाहिए। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो इस पाश को उठाने का प्रयास करूं। अंधकारी छिद्रों में कैसे फंस गए मेरे हाथ? सहायता कीजिए, कोई मेरी सहायता कीजिए। कोई मेरी सहायता करने के लिए भी नहीं है यहां, एकाकी हूं मैं। इंद्रदेव, अग्निदेव, ये क्या हुआ आप लोगों को? ये तो स्पष्ट है कि देवराज इंद्र और अग्निदेव दोनों इस पाश के उत्तराधिकारी नहीं है। किंतु क्या अब शेष देवताओं में कोई इसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहेंगे?
ये पाश मुझे आकर्षित तो कर रहा है, किंतु इंद्रदेव और अग्निदेव के प्रयत्न का परिणाम देखकर मैं सशंकित भी हूं। इंद्रदेव और अग्निदेव दोनों इसे उठाने में असफल क्यों हुए? किंतु यह आवश्यक नहीं कि जो पाश इंद्रदेव और अग्निदेव नहीं प्राप्त कर सके वो मैं भी ना उठा सकूं। इस पाश को पाकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के इस स्वर्ण अवसर को गंवाना उचित नहीं। प्रभु नारायण, आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रयास करूं। अवश्य। सभी देवताओं ने उस पाश को अपने वश में करने का प्रयास किया और असफल हुए। अंततः एकमात्र सूर्यदेव ही शेष रहे। ये पाश जिसका निर्माण मेरी किरणों के तेज से हुआ है, उसने सभी अन्य देवताओं को अस्वीकार कर दिया। त्रिदेव तो पूर्व में ही स्पष्ट कर चुके हैं कि ये पाश उनके लिए नहीं, तो क्या मैं इसका अधिकारी हूं? प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रयास करूं। ये कैसा विचित्र दृश्य दिखाई दिया मुझे? सूर्यदेव, कहिए क्या देखा आपने? महादेव, वो मैंने देखा कि वो पिताश्री। यम, पुत्र यम, तुम यहां? पिताश्री, मुझे ज्ञात था आप यहाँ है, तो जब मुझे प्रतीत हुआ कि कोई मुझे यहाँ से पुकार रहा है तो मैं आपका विचार कर यहाँ चला आया। यम को प्रतीत हो कोई पुकार रहा है उसे यहाँ से, और मैंने जो दृश्य देखा तो क्या यम? पुत्र यम, उचित समय पर उचित स्थान पर पहुंचे हो तुम। महादेव, मैं कुछ समझा नहीं। शीघ्र सब समझ जाओगे पुत्र, किंतु सर्वप्रथम जाओ उस पाश को उठाओ। उस पाश को उठाओ? ये महादेव क्या आदेश दे रहे हैं मुझे? ऐसा क्या विशेष है उस पाश में? महादेव, यम को पाश लेने के लिए क्यों कह रहे हैं? महादेव, ये उचित होगा क्या? मेरा अर्थ है, यम तो एक मात्र नवयुवक है। इस पाश को इतने सबल, इतने शक्तिशाली देव नहीं उठा पाए तो क्या यम? चिंता मत कीजिए देव शिल्पी विश्वकर्मा जी, यम को प्रयास तो करने दीजिए। जाओ यम, उस पाश को प्राप्त करो।
जो आज्ञा प्रभु। महादेव, नारायण, ब्रह्मदेव। वर्तमानो निवेशयन्न मृतञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो यदि भुवनानि पश्यन्न ॐ अग्निमूर्धादिवः उत्पत्तिः पृथिव्या अयम् आपादुमेता यम सूर्यपुत्र यम, मैं आपको अपना स्वामी स्वीकार करता हूं यमराज। आश्चर्य, पाश ने यम का स्पर्श स्वीकार कर लिया, अर्थात यम ही इसका अधिकारी है। मेरे पुत्र यम ने इस पाश का स्वामित्व प्राप्त किया। तुम तो केवल एक साधारण बालक हो यम, फिर ऐसा क्या है तुम्हें जो इस पाश ने मुझ देवराज इंद्र को छोड़कर तुम्हें अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। समस्या लेकर मेरे पास आए थे और अब मेरे समाधान देने पर आप मेरी लीला पर संदेह कर रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं मुझ पर। नहीं नहीं माता, मुझे आपकी लीला पर कदापि संदेह नहीं। मुझे तो बस ज्ञात करना था कि यम है क्यों। क्योंकि यम उत्तम आचरण, धर्म परायणता और न्यायपरता में श्रेष्ठतम है। क्षमा कीजिए माता, किंतु ये सब मेरे समझ के परे है। यम, तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हेतु चुना गया है। जिस पाश ने तुम्हें चुना है वो मृत्यु पाश है, जो आज से यम पाश भी कहलाएगा। ये तो आपका सौभाग्य है देवगण कि आप सभी सुरक्षित हैं। कि अब अपने स्वामी के हाथों में इस पाश की शक्ति अपनी पूर्णता प्राप्त कर चुकी है और अब जो भी इसका स्पर्श करेगा वो तत्काल मृत्यु का भागी बनेगा। यम, मैं तुम्हें मृत्यु का देवता और मृत्यु के उपरांत आत्माएं जिस लोक में निवास करेंगी उसका अधिपति बनाती हूँ। आज से वो लोग
यमलोक के नाम से भी जाना जाएगा। और उसकी व्यवस्था को सुचारू और नियंत्रित रूप से चलाने का दायित्व तुम्हारा होगा। आयु समाप्त होने पर जीव को इस पाश से बंदी बनाकर यमलोक लाना होगा तुम्हें, और उसके कर्मों के अनुसार उसकी उचित गति निर्धारित करनी होगी। जो आज्ञा माता। मुझे गर्व है कि माता ने मुझे इतना बड़ा कार्य दिया है, किंतु क्या मैं इतना बड़ा दायित्व निभा सकूंगा? इस दायित्व को निभाने में चित्रगुप्त और यमदूत तुम्हारे सहायक बनेंगे। प्रणाम माते। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम महाराज यमदेव। चित्रगुप्त सभी लोकों पर जीवों के कर्मों का विस्तृत लेखा जोखा रखेंगे। विचार, शब्द और क्रिया से जीव जो भी कर्म करेंगे, चित्रगुप्त उन्हें सूचीबद्ध करेंगे। और जब मृत्यु होगी, यमराज अपने दूतों की सहायता से उन आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार उचित फल देंगे। यम, तुम अपने लोक अर्थात यमलोक में भू विचार नामक आसन पर बैठकर आत्माओं के कर्मों का विचार करोगे, और तुम्हारे दूत आत्माओं को बंदी बनाकर लाने में तुम्हारी सहायता करेंगे। जो आज्ञा माता। जो आज्ञा माता। स्मरण रहे यम, मेरे द्वारा नियत जन्म और मृत्यु के विधान के अनुसार समय आने पर किसी की भी मृत्यु टलनी नहीं चाहिए। माता, मुझे इतना बड़ा दायित्व सौंपने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। माता, जो असंभव है वो संभव कैसे हुआ, बताइए ना माता। यम के अपने पद और दायित्व संभालने के बाद मनुष्य जन्म लेने के पश्चात अपनी आयु के अनुसार बालक, युवा और वृद्ध होने लगे, और आयु समाप्त होने पर मृत्यु को प्राप्त करने लगे। संसार चक्र नियमित और सुचारू रूप से चलने लगा। और अब यह विधान बन चुका था कि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु अवश्य होगी। किंतु मैं इस जीवन और मरण के चक्र में अपवाद बना। किंतु जन्म और मृत्यु तो पूर्व से ही निर्धारित है, तो फिर ऋषिवर आप अपवाद बने अर्थात? मारकंडे ही एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जिनको मृत्यु स्पर्श भी नहीं कर सकती। मृत्यु से सुरक्षित होगा ऋषि मारकंडे, ये कैसे संभव हुआ माता?
इसके पीछे भी मेरे भक्तों की अटूट भक्ति और मेरे और महादेव की लीला की कथा है गणेश। माता, भक्तों की भक्ति की ऐसी शक्ति कि मृत्यु भी उनसे पराजित हो जाए, तब तो इस कथा का श्रवण अत्यंत सुखकर और प्रेरणादायी होगा हमारे लिए। कृपया ये कथा हमें सुनाने की कृपा कीजिए माता। हाँ माता, हम सभी ऋषि मार्कंडेय की ये कथा सुनने के लिए अति उत्सुक हैं। हमें भी ये कथा सुनाइए ना माता। उचित है, वैसे भी भक्त की कथा के बिना भगवान की कथा तो अधूरी है। तो सुनो, मैंने देवी पार्वती के रूप में कठिन साधना कर महादेव का सानिध्य प्राप्त किया। उसी समय अवधि में ऋषि भृगु के पुत्र ऋषि मृकेंडु का भी जन्म हुआ था, जो अत्यंत तेजस्वी थे। ऋषि मृकेंडु की पत्नी देवी मौर्गमती विवाह उपरांत अनेकों वर्षों तक संतान सुख से वंचित होने के कारण ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती संतान रहित होने की पीड़ा से ग्रसित थे। पकड़ो, पकड़ो। देवी मौर्गमती को बालकों से इतना स्नेह है, किंतु संतान सुख से वंचित है वो। ज्ञात नहीं ईश्वर की क्या इच्छा है। जो भी है, प्रभु की साधना से ही हमें हमारी इस पीड़ा को दूर करने का कोई उपाय प्राप्त होगा। ऋषि मृकेंडु की पत्नी देवी मौर्गमती को भी प्रभु में उतनी ही आस्था थी जितनी कि उनके पति को। तो उन्होंने भी यही सुझाव दिया कि संतान सुख पाने के लिए दोनों पति पत्नी को कठोर तपस्या करनी चाहिए। फिर ऋषि मृकेंडु ने गहन वन में घोर तपस्या प्रारंभ की और वो स्वयं आश्रम में ही साधना के लिए तैयार हो गई। समय बीतता गया। समय के चक्र के अनुसार ऋतुओं में परिवर्तन होने लगा, किंतु ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती निरंतर तप करते रहे। उनके इस तप का प्रभाव अब प्रकृति पर भी होने लगा था। दोनों पति पत्नी ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती तपस्या में लीन हो गए। ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती की पुकार कैलाश में महादेव और मुझ तक पहुंच ही गई। अरे, ये बेलपत्र स्वयं जल के साथ आ गया, देखो तो। ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती संतान रहित होने की पीड़ा से ग्रसित थे। ऋषि मृकेंडु की पत्नी देवी मौर्गमती को भी प्रभु में उतनी ही आस्था थी जितनी कि उनके पति को। तो उन्होंने भी यही सुझाव दिया कि संतान सुख पाने के लिए दोनों पति पत्नी को कठोर तपस्या करनी चाहिए। और अंततः ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती की पुकार कैलाश में महादेव और मुझ तक पहुँच ही गयी। नाथ, स्वामी, आपके भक्त आपकी कठोर तपस्या कर रहे हैं, आपको अपने भक्तों को दर्शन देना चाहिए। ओ मां, मैं यदि मृकेंडु ऋषि को दर्शन दूंगा तो वो मुझसे संतान प्राप्ति का वरदान मांगेंगे। तो आप उन्हें संतान दे दीजिएगा स्वामी, इसमें कैसी दुविधा है।
दुविधा है उमा, ऋषि मृकंड और देवी मौर्दमती के भाग्य में संतान नहीं है, भाग्य में संतान नहीं है, भाग्य में संतान नहीं है। नाथ, मनुष्य तो स्वयं अपने कर्म से अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, ये सत्य है कि नियति ने ऋषि मृकेंडु को संतान सुख से वंचित रखने का निश्चय किया है, किंतु वो अपने तपस्या के बल से अपनी नियति को परिवर्तित कर नवीन भाग्य की रचना करने का प्रयत्न तो कर रहे हैं ना नाथ। उन्हें अपने इस कर्म का उचित फल तो मिलना ही चाहिए, हमें उन्हें दर्शन देना चाहिए स्वामी। उचित है उमा, जैसी आपकी इच्छा। ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्दमती को उनकी इस अटल साधना का फल अवश्य प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र मृकेंडु, महादेव। पुत्र मृकेंडु, हम तुम्हारी तपस्या से और तुम्हारी पत्नी मौर्दमती की पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुए। नमः शिवा। वरदान मांगो पुत्र, कहो क्या इच्छा है तुम्हारी। माता, महादेव, आप तो सर्वज्ञाता है, आपको हमारी तपस्या का उद्देश्य भली भांति ज्ञात है। आपकी कृपा से सब कुछ है हमारे पास, किंतु कोई संतान नहीं है। आप हमें संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए प्रभु। पुत्र मृकेंडु, मैं तुम्हें संतान सुख अवश्य दूंगा, किंतु तुम्हारी संतान कैसी होगी इसका चुनाव तुम्हें करना होगा। मैं तुम्हें ऐसे अनेकों पुत्र दे सकता हूं वत्स, जिनकी आयु 100 वर्ष की होगी, किंतु जो बुद्धिहीन होंगे, तेजहीन होंगे, अथवा एक ऐसा पुत्र जो तेजस्वी, मनस्वी और ज्ञानी होगा, किंतु उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। अनेक पुत्र जो तेजहीन, बुद्धिहीन होंगे, अथवा मात्र एक पुत्र जिसकी आयु 16 वर्ष की होगी। प्रभु, तेजहीन संतान का होना ना होना एक समान है। मुझे सच्चा पुत्र दें जो अपने कर्मों से अपने कुल को प्रतिष्ठा दे सके। मुझे तेजस्वी पुत्र प्रदान करें प्रभु। तथास्तु। महादेव से वरदान पाकर ऋषि मृकेंडु आश्रम लौट आए और कुछ समय पश्चात उनकी पत्नी देवी मौर्दमती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया।
नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। नहीं करने आया हूं मैं कोई संवाद, मैं तो नवीन संतान के माता पिता को देने आया हूं आशीर्वाद। ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्दमती का नवजात शिशु इतना तेजस्वी इतना सुंदर था कि देवर्षि नारद ने स्वयं बाहर जाकर उन्हें नाम दिया, आशीष दिया। अति सुंदर। ओम नमः शिवाय। मार्कंडेय, आपके पुत्र का नाम है मार्कंडेय। मार्कंडेय, 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 कितना सुंदर नाम दिया है देवऋषि ने हमारे पुत्र को। स्वयं देवऋषि का आशीष पाकर तुम धन्य हो गए पुत्र। प्रकार महादेव के आशीष से ऋषि मार्कंडेय का जन्म हुआ। माँ और पिताश्री को ज्ञात था कि ऋषि मृकेंडु और माता मौर्दमती के भाग्य में संतान नहीं, फिर भी माँ ने पिताश्री को समझाया कि मनुष्य ही अपने भाग्य रचता है। किंतु माता, सबका भाग्य तो नियति द्वारा पूर्व निर्धारित होता है ना? दोनों ही बातें सत्य हैं। ये भी कि मनुष्य का भाग्य पूर्व निर्धारित होता है, और ये भी कि सच्ची भक्ति, सत्कर्म और भगवान की प्रार्थना कर और अपने अथक प्रयास से मनुष्य अपनी नियति परिवर्तित कर सकता है। यही है ऋषि मार्कंडेय की उस प्रयास की कथा, जिस प्रयास से ऋषि मार्कंडेय ने अपना भाग्य परिवर्तित कर लिया। दिवस बीतते गए और महादेव के वरदान के अनुसार ऋषि मार्कंडेय अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और ज्ञानी थे, और उनके माता पिता को उन पर गर्व था। पुत्र सुख पाकर ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्दमती इतने प्रसन्न थे कि वो अपनी सारी चिंताएं भूल गए थे, और ये भी भूल गए थे कि महादेव ने ये भी तो कहा था कि मार्कंडेय मात्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुत्र मार्कंडेय, कल तुम अपने 16वें वर्ष की आयु में प्रवेश कर रहे हो, और साथ ही तुम वेद शास्त्रों के दर्शन और व्याकरण में भी निपुण हो चुके हो। अब तुम अपने निवास जाकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर संसार में अपने ज्ञान का विस्तार करो। जैसी आज्ञा गुरुजी। जब से मार्कंडेय ने गुरुकुल जाना आरंभ किया है, आप प्रतिदिन द्वार पर खड़े रहकर उसकी आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं। मेरा तो मन ही नहीं मानता, स्वयं को नहीं रोक पाता हूं मैं। जब भी मार्कंडेय का लौटने का समय होता है, मेरा मन विचलित हो उठता है। मन को शांत कीजिए स्वामी, मार्कंडेय आता ही होगा।
कदाचित आप ज्ञान की साधना में उसकी सहायता करेंगे तो आपका मन भी बढ़ जाएगा। चलिए देवी, पुत्र की प्रतीक्षा में हम आपकी सहायता कर देते हैं। ये कैसी आर्ट है? देवर्षि आप आइए, देवर्षि आइए। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। आपके भाव देखकर ऐसा हो रहा है प्रतीत कि आपको किसी अन्य अतिथि विशेष की थी प्रतीक्षा, मेरे आगमन की नहीं थी अपेक्षा। क्षमा कीजिएगा देवर्षि। देवर्षि, हम अपने पुत्र मार्कंडे की प्रतीक्षा प्रतिदिन इसी प्रकार करते हैं। जैसे ही उसका गुरुकुल से लौटने का समय होता है, स्वामी द्वार पर खड़े रहकर और मैं उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर। पुत्र मार्कंडे के बिना हमारी कुटिया जो सुनी हो जाती है, हमारे प्रत्येक दिवस का मुख्य भाग उसका लौटना ही होता है देवर्षि। किंतु आप दोनों को इस सूनेपन का अभ्यस्त हो जाना चाहिए। देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? आप कदाचित भूल रहे हैं ऋषि भृगेंदु, जब महादेव ने आपको एक संतान का वरदान दिया था तो उस वरदान को एक स्थिति से बांधा था कि आपके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की होगी। मैं तुम्हें ऐसे अनेकों पुत्र दे सकता हूं वत्स, जिनकी आयु 100 वर्ष की होगी, किंतु जो बुद्धिहीन होंगे, तेजहीन होंगे, अथवा एक ऐसा पुत्र जो तेजस्वी, मनस्वी और ज्ञानी होगा किंतु उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। और यदि मैं कोई भूल नहीं कर रहा हूं तो कल आपके पुत्र की आयु 16 वर्ष की हो जाएगी। नहीं, नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? नारायण नारायण, इस घटना के घटित होने से पूर्व ही मैं आपको सूचित करने चला आया हूं। आयु पूर्ण होना तो विधि का विधान है। आप दोनों इसे ईश्वर की इच्छा समझकर अपने हृदय को सांत्वना दे दीजिए। मेरा पुत्र, मेरा मार्कंडे, हम कैसे रहेंगे उसके बिना? मृत्यु तो केवल तन की होती है, आत्मा तो अजर अमर होती है, और आयु पूर्ण होने पर नवीन जन्म लेकर अपने तन को परिवर्तित कर लेती है। फिर इस नश्वर तन से कैसा मोह? देवर्षि की कही बातों को द्वार पर खड़े मार्कंडे भी सुन चुके थे। उस समय बालक मार्कंडे के मन में तूफान उठ रहा था। एक ओर उनके माता पिता उनकी मृत्यु की सूचना पाकर अत्यंत दुखी थे, और दूसरी ओर देवर्षि नारद के शब्द भी बालक मार्कंडे के मन में ध्वनित हो रहे थे। पुत्र,
बिना कैसे रहेंगे पुत्र? तुम्हारे पिता और मैं, हम दोनों का जीवन तो तुम पर ही आधारित है पुत्र। हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? हम कैसे रहेंगे? माँ, पिताजी, अभी मुझे मात्र पितृ ऋण चुकाने का अवसर ही कहां प्राप्त हुआ है? मैं आप दोनों को ये वचन देता हूं कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ही रहूंगा। मृत्यु पर विजय? ये कैसे संभव है? नारायण नारायण, मुझे मृत्यु का भय नहीं, किंतु अपने माता पिता की सेवा के लिए, उनके सुख के लिए मैं अवश्य अपने भाग्य को परिवर्तित करूंगा। जिन महादेव के वरदान से मेरा जन्म हुआ है, वही महादेव मुझे जीवन दान भी देंगे। पुत्र, कहाँ जा रहे हो पुत्र? महादेव की पूजा करने। प्रणाम ऋषिगण। आयुष्मान भव। आहा, कितने उत्तम संस्कार हैं। सबका आदर कर सभी को प्रणाम करना, दूसरों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं होता। कदाचित सभी का आशीर्वाद पाकर मार्कंडेय की मृत्यु टल जाए। नारायण नारायण। जो भी हो, अपने माता पिता को निराश नहीं होने दूंगा मैं। वन में जाकर बालक मार्कंडेय ने एक छोटे से मंदिर में जाकर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और शिवलिंग का जलाभिषेक कर पूजा करते समय वो निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। और बालक मार्कंडेय की पूजा पर बैठते ही एक चमत्कार हुआ। महादेव ने बालक मार्कंडेय के मुख से मंत्र प्रस्फुटित करवाया जिससे उन्हें उनका अभीष्ट प्राप्त हो। ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षिगमामृतात्। ऋषि मार्कंडेय, तब तुम्हारे मुख से स्वतः ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप होने लगा, उसी प्रकार जैसे आज यहाँ आने पर तुम मेरा स्तुति गान करने लगे। माता, ये महामृत्युंजय जाप क्या होता है और क्या है इसका अर्थ? उस समय ऋषि मार्कंडेय के मुख से उत्पन्न होने वाले महामृत्युंजय मंत्र की अद्भुत दिव्यता है। ये मंत्र मृत्यु पर विजय प्रदान करता है। इसका अर्थ है, जो त्रिनेत्रों वाले त्रियंबकम है जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनका प्रभाव मीठी सुगंध के समान है, जो हम सभी का पोषण करते हैं, जो हमारे जीवन को सुख समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, वो ही हमें मृत्यु से मुक्ति दे, मोक्ष दे। माता, संसार का प्रत्येक आविष्कार आप ही कृपा से हुआ है, बस उसका कोई ना कोई माध्यम मात्र बना है। संसार के समक्ष उस श्रेय का पात्र तो माध्यम बनता है, किंतु वास्तव में तो संपूर्ण श्रेय आपका ही है माता। इच्छा की पूर्ति का माध्यम प्रत्येक व्यक्ति नहीं बन सकता मार्कंडेय, उसके लिए भी तो सुपात्र की आवश्यकता है। माता, आप माध्यम हेतु सुपात्र का चयन कैसे करती हैं? जो मन वचन कर्म से शुद्ध होता है, जिसमें भक्ति के प्रति आत्मविश्वास होता है, वही मेरा माध्यम बनता है। मृत्यु निकट होने पर भी निर्भय रहकर जो आत्मविश्वास मार्कंडेय ने दर्शाया है,
उसी से उसने अपने सुपात्र होने का परिचय दिया। फिर क्या हुआ माता? महाकाली, सब कुछ भूलकर संपूर्ण रात्रि मार्कंडे जाप करता रहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनामृता। वो रात्रि मार्कंडे की अंतिम रात्रि थी। जब अगले दिवस सूर्य उदय हुआ तो मार्कंडे की आयु 16 वर्ष की हो चुकी थी। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् नित्ये मुक्षीयमामृता। ये कैसा दुर्भाग्य है हमारा, हमारे पुत्र के 16वें वर्ष में प्रवेश करने का उत्सव मनाने के स्थान पर हम उसे लेकर आतंकित हो रहे हैं। प्रभु, ऋषि मृकंडु के पुत्र मार्कंडेय आज 16 वर्ष के हो चुके हैं। आज उनकी आयु समाप्त हुई। जाओ, ऋषि मृकंडु पुत्र मार्कंडेय के प्राण लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। माता, ऋषि मार्कंडे की मृत्यु का समय तो निकट आ चुका था, फिर उन्होंने कैसे अपनी मृत्यु को टाला, बताइए ना माता।